अभी मैं साली मेल स्टेशन में हूँ, आपको दिखाऊंगी हमारी सफर कैसी रही, बने रही हमारे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम जा रहे हैं पूरे फैमिली के साथ उड़ीसा। इस ट्रेन में मेरा पहला ब्लॉग है, मुझे पता नहीं आज ब्लॉग कैसे बनेगी और कैसे होगी आज दिन। सच बताऊं तो आज का दिन बहुत बुरा रहा, क्योंकि मैं घर से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया। घर से निकलते समय बहुत सारा लगेज था हमारे पास, इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाया। सच में यार बहुत भीड़ है इस ट्रेन पे, मैंने क्यों काटा इस ट्रेन का टिकट। हेलो गाइस, अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। हमें ट्रेन में आने का एक फायदा मिला, हमें न्यू सब्सक्राइबर बहुत सारे मिल गए। आप जब भी सफर करें इन्हें कुछ ना कुछ जरूर दें। दोस्तों मैं इनका पर डे इनकम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ट्रेन में और एक फ़ायदा है कि आपको सुपरमार्केट जाना नहीं पड़ता है, सुपरमार्केट आपके पास खुद चल के आते हैं और रेट भी बहुत सारे लो प्राइस में मिल जाते हैं चीज़। इसका प्राइस कितना लिया बताओ? ट्रेन में बैठते बैठते अब भूख लगने लगी थी, इसलिए हम लोग अब झाल मुड़ी खा रहे थे और झाल मुड़ी बहुत टेस्ट अच्छा भी था। ट्रेन में इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था कि लोकल कंडीशन की तरह हो गया था, इसीलिए ना जाने आने का पोजीशन ना उतरने का पोजीशन। इसलिए अंकल को पुलिस ने कहा कि आप गेट के सामने नहीं बैठ सकते हैं, आप अंदर बैठिए, ये साइड हो के बैठिए। वाह, माँ बेटा का प्यार देखो, ऐसा प्यार मिलता ही कहाँ है। इनके लिए तो एक छोटा सा शायरी बनता ही है। होकर ना मार मुझे, पत्थर नहीं हूँ मैं, हैरे से ना देख मुझे, मंजर नहीं हूँ मैं, तेरी नजरों में मेरी कोई कदर भी नहीं, मेरी माँ से पूछ उसके लिए क्या हूँ मैं। दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक हमारे चैनल में बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।